हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है हमारे घर में हल्दी कुंकू। मतलब संक्रांत होने के बाद हम लोग मराठी लोगों में हल्दी कुंकू करते हैं, तो उसका फंक्शन है। तो मेरी भाभी ने सब ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम किस तरीके से करते हैं, हम कैसे हल्दी कुंकू मनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती हैं। तो अंदर जाने से पहले पहले हम बाहर जाते हैं इधर गार्डन में। यहाँ पर पूरा खाने का अरेंज किया है। खाने में है छोले कुलचे, जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और ये रहा पूरा गार्डन, आज मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊंगी। ये देखिए उन्होंने कितनी मस्त रंगोली निकाली है, और आज मैं आपको करवाऊंगी घर करते हुए। हमारे यहाँ ये सारी चीजें दी जाती है, मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं किसी को, जो भी देना चाहे है। हाँ अजून चांगले तेरा छोले कुलचे भी हम फेमस करेंगे। गरम कर दिया है ना? हाँ वो गरम के लिए। तुझे माइटी है? तापुना को सु। हैं वो? गया ना तेरे पास है? थोड़े से देर हम तो आज ज़्यादा मंटर हैं। थोड़ी सी बस। घर के पास ही हुआ। घर के पास ही। अरे जैसा भी है मेनू में ना। अच्छा। आई जैसे अपन ऑपरेशन था लोग तो। जानवरी में था। हाँ देवा पर देवा को बंद के आता बेटा परत थोड़ा ये नेमी नहीं करता। अब बस इतनी ही हमारी लास्ट लेडीज रही। ऐसे करा ना इकड़े। एक मिनट तू भी पढ़। अच्छा सेल्फी चलते गिरते हैं। खूप बरं वाटलं एकदा।
ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक तुम्ही साखरेचं काम केलं मग आम्ही बेटी की तो शादी होगी 10 साल पहले। अच्छा अच्छा बेटी की शादी रही जिनके हस्बैंड प्रदीप ठाकरे। अरे मंजू आते मतलब हाँ द्वारकापुरी में रहते थे ना काका है ना उनकी सिस्टर का बेटे की शादी थी। अरे लड़की की शादी थी ना लड़के की बेटे की शादी थी बुटी है मंजू आते के बेटे की शादी थी जिनके हस्बैंड उनका फर्स्ट नेम क्या है ठाकरे ना उनको लड़का अच्छा अच्छा बेटी की शादी रही जिनके हस्बैंड प्रदीप ठाकरे। अच्छा मुझे नहीं अच्छा मुझे नहीं मालूम क्या लगता ये देखिए इस तरीके से कुछ ना कुछ कोई ना कोई गिफ्ट करता ही है। अब ये पैठनी के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए चांगले वाटतात एकदा जरा इकडे पहा ना नंतर व्हिडिओ करते मला रिक्षा पण मिळेल ना पटकन अरे मंजू आते मतलब हाँ द्वारकापुरी में रहते थे ना काका है ना उनकी सिस्टर का बेटे की शादी थी। अरे लड़की की शादी थी ना लड़के की बेटे की शादी थी बुटी है मंजू आते के बेटे की शादी थी जिनके हस्बैंड उनका फर्स्ट नेम क्या है ठाकरे ना उनको लड़का खूब बिजी रहती है इस तरीके से हमारे हल्दी कुंकू को सेलिब्रेट किया जाता है और ये मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है मराठी लोगों में। हर मराठी लेडीज़ ये सेलिब्रेशन ज़रूर करती है अपने घर के अंदर और इसमें जितने भी आप सुहागन औरतों को बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं और उनको सुहाग की सारी चीज़ें दी जाती हैं और छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है जिसमें आपकी इच्छा है आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने इस बार ऑर्गेनिक गुड़ दिया था हमने ऐसी चीज़ दी कि सब यूज़ कर सकें और उनके घर में वो ख़त्म भी हो जाए तो हम लोगों ने ऐसी चीज़ दी। तो इस बार हमने बहुत जल्दबाजी में ये सेलिब्रेशन किया था तो बहुत छोटा सा किया नेक्स्ट टाइम हम बड़ा करेंगे और हर साल हम करते हैं कोरोना के बाद हमारा बंद हो गया था लेकिन हमने दोबारा से स्टार्ट किया। होप्स आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा सा ये है हमारा ट्रेडिशन मराठी लोगों का। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ये बताना ज़रूर मत भूलिएगा कि आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लगा और आपको ये देखकर क्या लगा मतलब हमारा ट्रेडिशन कैसा है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ में बना के रखिए। बढ़िया
प्लान तो है अभी बाय रोड। नहीं 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 बाय रोड देखेंगे। संडे को एक्चुअली फ्लाइट नहीं अपने आगे। इंदौर क्यों नहीं आए? हाँ, फ्लाइट। अरे इंदौर का हमारा इशू क्या हुआ कि